ये जी सेंटा क्लॉज है, ये ब्रिस्टल का सिटी सेंटर है जिसका नाम है कैबिट सर्कस, और उस पर क्योंकि क्रिसमस है तो उन्होंने ये सेंटा क्लॉज लगाया हुआ है। क्रिसमस मार्केट ब्रिस्टल। जैसे ही क्रिसमस आता है तो ये जर्मनी से लोग आते हैं और ये मार्केट लगाते हैं। इसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं खाने वाली और बड़ी खूबसूरत सी डेकोरेशन होती है इनकी। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है। ये किस चीज़ का स्टॉल है जी? ये है डच मिनी पैनकेक्स। ये पैनकेक्स बना रहे हैं, डच पैनकेक्स। ये देखें आपके सामने, क्या चीज़ है जी अंदर? है हॉट एप्पल साइडर। ये बाबा पता नहीं ऐसे क्यों बैठा। ये है हॉट चॉकलेट, बेल्जियन बेल्जियन हॉट चॉकलेट है। ओह माय गॉड, ये देख वाह, टॉपिंग है हॉट चॉकलेट की। ये देखो हॉट चॉकलेट की मशीन चल रही है और बना रही है। और ये सिरप है हॉट चॉकलेट के। और ये क्रिसमस ट्री है इनके ऊपर। ये जनाब लोग बैठे हैं अंदर, देखें या कैसे उन्होंने छोटे छोटे से ये कैबिनेट बनाए हुए हैं क्रिसमस मार्केट के। और ये लोग अंदर बैठे खाना खा रहे हैं। और ये हट्स बनाए हुए हैं, ये हट्स में देखें अपनी अपनी शराब पी रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और ये कवर हट्स हैं, देखें पॉलीथीन का ऊपर कवर किया हुआ है। वाह देखें। और ये है जी जैगर बार्न बार। और ये है स्वीट शॉप, वो फज। ये कपड़े धोने वाला साबुन नहीं है, ये फज है, चॉकलेट जिसे फज बोलते हैं ना, ये वो है। कहीं आप समझे कि कपड़े धोने वाला साबुन है और कपड़े धोना शुरू कर दें। ये हॉट डॉग्स, ये देखे कितना बड़ा इसका, ये नीचे आग जलाई हुई है और ऊपर हॉट डॉग पड़े हैं। ये ऊपर ये देख, और ये कार्ड मशीन है, इसके साथ कार्ड टच करेंगे तो पेमेंट चली जाएगी। ये क्या है जी? पेंगुइन, पेंगुइन है। ऊपर हॉट डॉग लटके हुए, नीचे सॉस है। और ये चेडर और चीज है। वाह क्या खूबसूरत। इधर क्या है जी? इधर वही जो आपको दिखाया, कैसे अपने अपने हट्स में बैठे हैं, शराबे पी जा रहे हैं, एंजॉय करी जा रहे हैं। यही लाइफ है, ज़िंदगी का सही मज़ा ये उठाते हैं। और ना ये मीठे का उठाते हैं, ना खट्टे का उठाते हैं, ये तुर्श शराब का उठाते हैं। वाह ये जी
लोडेड फ्राइज, फ्राइज चिप्स, ये चिप्स की दुकान है। चिप्स दिखाते हैं आपको कहाँ बन रही है। ये तो प्याज है, प्याज की स्मेल आई, कितना बड़ा बड़ा कटा हुआ। और ये ओरिजिनल पोर्क, सुअर, बीफ और हनी पोर्क और बारबेक्यू पोर्क। और ये देख, ये बारला इसका गोश्त है, बर्गर में डाल के दे रहे हैं। ये है जी हॉट चॉकलेट, फिर आ गई। ये डोनट्स हैं जो मेरे बच्चे ख़ास तौर पर बड़े शौक से खाते हैं। ये देख, ये ताज़े बन रहे हैं मशीन से निकालते हैं। ये ब्रिस्टल का सिटी सेंटर है जहाँ पे ये इन्होंने क्रिसमस मार्केट लगाई हुई है। और बताते हैं ये पता नहीं क्या है, एंटीक्स। वाह, ये वो जो क्रिसमस ट्री पे लगते हैं, ये देखें, ये बाद में लगा के दिखाए हैं। ये विनाइल्स है, उसका क्लॉक बनाए हुए हैं। यस, मैजिकल बबल्स। लांबा काफ़ी आगे तक जा रही है मार्केट। एक्चुअली मेरा ख्याल था बस थोड़ी सी दुकानें हैं। ये फिर कपड़े धोने वाला साबुन आ गया। ओ सॉरी, फज, ये देखिए फज लिखा हुआ है, ओल्ड टाइम फज। ये पहले टाइम में ऐसे होता था। और ये है जी शतरंज। विश मी लक, ये लक के लिए पहनते हैं लोग। ये जवान आई है, ये तुर्की में भी बहुत देखी थी मैंने, और ये यहाँ पिस्टल में भी नजर आ रही है। अच्छा, ये एक एक करके, ये देखिए ये सर्विंग ट्रे है, ये टिपिंग सेट 65, एक दो, ये देखें ट्रे का बनाया। ये सारी सेपरेट हैं, इकट्ठे रख के इसमें देते हैं। वाह, अच्छा वो देखें, ये वो अल्लाह वाली और इस्लामी की आर्ट भी पड़ा हुआ अंदर। ये देखें, ये वाह, ये किस चीज़ की दुकान है, लुमिनोलॉजी। ये देखें लाइट्स, ये मेरे ख्याल में जो भी आप चीज़ कहेंगे उससे ये ऐसे लाइट अप हो जाएगी, ये लाइट के साथ चलती है। देखिए लैंप है, कोई भी चीज़ है, ये कलर भी बदल सकता है। वाह वाह, ये देखें, वाह ज़बरदस्त यार, ये ज़बरदस्त चीज़ है। स्पोर्ट्स डेस्क, स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी शॉप है, इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाती है आपको। आ गया जहाँ पे, ये देखें बैठे हैं, शराबें पी रहे हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वाह, ये बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री जा रहा है। ये वही जगह जहाँ पे आपने एक मेरी वो वीडियो भी देखी होगी, जो बकरा ईद का हम खाना पका के लेके आए थे और बांट रहे थे। देखिए तो खड़े कार है, और वाह ये खड़ा के गाना गा रहा है पैसे लेने के लिए। ये देखिए
Yes, of course you can film me. I don't mind at all. Sincerely, I love you so fearlessly. I wake you up in the morning so early, telling you I got the one to live. I got the one to live. I don't want to leave you alone. And I sang my songs in the cold and the rain. Though I had the wandering blues, though I sang those wandering blues, I'm gonna quit these rambling minds one of these days. My nigga, please mind your business. No. My nigga.